हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 7 के हिंदी के पाठ 8 को। इस पाठ का नाम है बच्चों, डॉक्टर अब्दुल कलाम के जीवन के प्रेरक प्रसंग। तो जैसे कि हमें पता है बच्चों, जो डॉक्टर अब्दुल कलाम थे वो बहुत ही ज़्यादा महान व्यक्ति थे। हमारे देश के 11वें राष्ट्रपति रहे हैं और एक महान वैज्ञानिक रहे हैं जिन्होंने बहुत सी मिसाइलों का आविष्कार किया। तो इतने महान व्यक्ति के जीवन के बारे में हमें जानना है जिससे कि हमें एक प्रेरणा मिले। ठीक है बच्चों, तो इस पाठ को आज हम अच्छे से समझेंगे जिससे कि हम आगे चलकर इस पाठ के प्रश्न उत्तरों को आसानी से कर पाए। तो बिल्कुल भी देर ना करते हुए बच्चों, देख लेते हैं इस पाठ को। कि सबसे पहले देखते हैं बच्चों, भारत के दक्षिण में रामेश्वरम जिले का नाम आज विख्यात है। तो ये कहाँ थे? ये तमिलनाडु में एक जिला स्थित है बच्चों, रामेश्वरम नाम का। ठीक है, तो यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। जो भारत के दक्षिण में एक राज्य है तमिलनाडु नाम का, उसमें एक जिला है रामेश्वरम, जो कि बहुत ज्यादा प्रसिद्ध जिला है बच्चों। ठीक है, तो वहां पर इनका जन्म हुआ था। इसी पुण्य भूमि पर भारत के 11वें राष्ट्रपति महामहिम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था। ठीक है, यहीं पर इनका जन्म हुआ था। इस बात को हमें याद रखना है कि जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे उनका जन्म कहाँ हुआ था? रामेश्वरम जिले में हुआ था। ठीक है, इस बात को बहुत अच्छे से हमें याद रखना है। उनका पूरा नाम अबुल पकीर जैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम है। ठीक है, वैसे तो हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से इन्हें जानते हैं, लेकिन इनका जो पूरा नाम है बच्चों वो क्या है? अबुल फकीर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम। ठीक है, हमें इस चीज को याद रखना है। और इनका जन्म कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी को। ठीक, कब हुआ था इनका जन्म? 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। जन्म स्थान रामेश्वरम है। इनका पूरा नाम क्या है? अब्दुल फकीर जैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? 15 अक्टूबर 1931 को। ठीक है, को जन्मे अब्दुल कलाम का स्वभाव बचपन से ही अन्वेषक तथा शांत चित्त प्रवृत्ति का रहा है। जो इनका जो स्वभाव था बच्चों वो अन्वेषक प्रवृत्ति का था। अन्वेषक का अर्थ यहाँ ये है कि ये खोजबीन में लगे रहते थे, नई नई चीजों को जानने में, नई नई चीजों को खोजने में लगे रहते थे। और शांत प्रवृत्ति, शांत चित्त, यानी ज्यादा चंचल स्वभाव नहीं था इनका। ठीक है, ज्यादा बातचीत नहीं करते थे, जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना बहुत ज्यादा शोरगुल करते हैं, उछल फान करते हैं, इस टाइप के नहीं थे। बहुत शांत रहने वाले थे और अन्वेषक प्रवृत्ति का था। ये अन्वेषक का अर्थ क्या है कि ये खोजबीन में लगे रहते थे, नई नई चीजें जानने की इनकी इच्छा थी कि ये कैसे होता है, वो कैसे होता है। इस तरीके के कुछ बच्चे होते हैं ना जो खोजबीन में लगे रहते हैं, इस तरीके से इनका भी स्वभाव कैसा था? अन्वेषक प्रवृत्ति का था। उनका पूरा बचपन संघर्षों की कहानी है। दृढ़ इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास उनकी सफलता के सोपान है। यानी जो ये अब्दुल कलाम थे वो एक बहुत ही गरीब परिवार में पैदा हुए थे बच्चों। तो इनका जो जीवन था बहुत ही ज्यादा संघर्षों से भरा हुआ रहा है, क्योंकि गरीब होने के कारण एक अच्छी शिक्षा लेना इतना आसान बात नहीं थी इनके लिए, और इतना लंबा सफर करना कि एक गरीब परिवार में पैदा होकर देश के राष्ट्रपति पद तक पहुंचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल कठिनाई भरा इनका जीवन था बच्चों। बहुत ज्यादा इन्होंने संघर्ष किया, बहुत ज्यादा मेहनत करी, तब जाके वो वहां तक पहुंच पाए बच्चों। डॉक्टर अब्दुल कलाम का निधन 27 जुलाई 2015 में हुआ। तो इनका निधन कब हुआ था बच्चों? 27 जुलाई 2015 को हो गया था इनका निधन। ठीक है, अब देख लेते हैं इस पाठ को आगे क्या हुआ बच्चों। आप यहाँ इस चित्र में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को देख सकते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इस तरीके से दिखते थे। ठीक है, अब देख लेते हैं इस पाठ में आगे क्या दिया है। बाल्यकाल और संघर्ष। तो बाल्यकाल बच्चों बोलते हैं बचपन को। जब ये छोटे थे तब इन्होंने क्या क्या अपने जीवन में संघर्ष किए, यानी किस तरीके से इन्होंने सफलता को प्राप्त करने के लिए कितनी मेहनत करी इन्होंने बचपन से ही। ठीक है, इस चीज को हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है,
अब्दुल कलाम बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे। यानी कुशाग्र बुद्धि का अर्थ होता है बच्चों तीव्र बुद्धि, यानी बहुत ज्यादा तेज दिमाग था इनका। बहुत कम समय में ये चीजों को सीख लेते थे। ये बचपन से ही बहुत ज्यादा तीव्र बुद्धि के थे बच्चों। उनकी सामाजिक समरसता की चेतना रामेश्वरम के सामाजिक परिवेश में पल्लवित हुई। यानी कि जो रामेश्वरम में जो बच्चों जो वहाँ का सामाजिक सामाजिक वातावरण है वो ऐसा है कि सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं, ठीक है, और सभी लोग एक दूसरे का सहयोग करते हैं। तो इनमें जो सामाजिक सामाजिक चेतना जगी थी बच्चों, वो रामेश्वर से ही जगी थी, ठीक है। वे अपने परिवेश से भी कुछ ना कुछ ज्ञान की बातें ढूंढ निकालते थे। यानी वो अपने आप से भी बहुत सारी ज्ञान की बातें ढूंढ निकालते थे कि हमें किस तरीके से अपना जीवन जीना चाहिए। उन्होंने विद्यार्थी जीवन में अपने गुरु की डांट फटकार को बुरा नहीं माना। ऐसा होता है ना बच्चों, क्या कोई बच्चा है उसका कोई गुरु है यानी टीचर है उसे डांट दे फटकार दे तो बच्चे बुरा मान जाते हैं उस चीज का कि ये हमारे साथ कुछ गलत कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो ऐसे नहीं थे, वो उसको मार्गदर्शन के रूप में लेते थे कि जो गुरु की जो डांट फटकार से उनको एक मार्गदर्शन मिलेगा, ठीक है, उसका वो बुरा नहीं मानते थे, बल्कि उसे मार्गदर्शन समझकर कठिन परिश्रम किया, ठीक है, और सबसे अधिक अंक अर्जित कर कीर्तिमान स्थापित किया और स्कूल में सबसे ज्यादा अंक भी लेके आए गुरु की डांट फटकार को अपना मार्गदर्शन समझते हुए। रामनाथपुरम में स्वार्ट्स हाई स्कूल की दीवार पर एक पट्टिका थी जिस पर अंकित था, अपना समय व्यर्थ न जाने दो, जो समय व्यतीत हो गया उसे स्वर्ण देकर भी वापस नहीं खरीद सकते। तो इनका जो स्कूल था बच्चों, स्कूल का नाम क्या था? स्वार्ट्स हाई स्कूल। तो उसकी दीवार पे एक लाइन लिखी हुई थी कि अपना समय व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, जाने देना चाहिए, क्योंकि हम उसे सोने के बदले भी वापस नहीं कर सकते, ठीक है। जो समय बीत गया वो बीत गया, फिर वो लौटकर किसी भी तरीके से नहीं आ सकता, इसलिए हमें अपना समय नष्ट नहीं करना चाहिए। तो इस लाइन का बच्चों इनके जीवन पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा और इस लाइन को अपने जीवन में उतारते हुए उन्होंने अपने जीवन को सफल बनाया। यानी इन्होंने अपने जीवन के समय को बिल्कुल भी नष्ट नहीं किया, बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं होने दिया। अपने जीवन के हर एक समय के हर एक पल को इन्होंने सदुपयोग किया और सदुपयोग करते हुए सफलताओं की सीढ़ियां ये चढ़ते गए। इस वाक्य अर्थ को उन्होंने पूरी तरह अपने जीवन में उतारा और आगे चलकर विश्वविख्यात वैज्ञानिक बने, ठीक है। मतलब इन्होंने जो दुनिया के जो मिसाइलों के जो 10 बड़े वैज्ञानिक हैं उनमें इनका नाम शुमार है बच्चों, उनमें इनका नाम लिया जाता है, ठीक है। इतने बड़े वैज्ञानिक थे ये। उनकी पढ़ाई में कई बार आर्थिक संकट आए, लेकिन उनकी लगन और योग्यता को देखकर परिजनों ने कठिन परिश्रम कर पढ़ाई को जारी रखा। क्योंकि बच्चों ये बहुत ज्यादा गरीब थे इसलिए पढ़ाई बहुत ज्यादा महंगी थी। तो बहुत समय ऐसा आया कि इनके ये पढ़ना चाहते थे लेकिन है ना इनके पास वो फीस के पैसे नहीं हुआ करते थे, लेकिन फिर भी कैसे ना कैसे इनका घर वाले पैसों की व्यवस्था करके इनकी पढ़ाई को जारी रखते थे। क्योंकि है ना वो जानते थे कि इनकी जो पढ़ाई की जो लगन है जो इनकी योग्यता है वो एक ना एक दिन बहुत बड़े सफल व्यक्ति बनेंगे, ऐसा उनका परिवार वालों का मानना था। इसलिए वो कुछ भी कर कर इनकी पढ़ाई के लिए पैसा जुटाते थे कैसे भी कर कर, ठीक है। अब देखिए ये 1950 ईस्वी में BSc की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने के बाद आगे की पढ़ाई में फिर रुकावट आई। जब उन्होंने 1950 में बच्चों क्या किया, BSc किया, तो फिर क्या हुआ कि इनको आगे की पढ़ाई में कठिनाई इसलिए आई क्योंकि उस पढ़ाई के लिए इनके पास इतना पैसा नहीं था, ठीक है, इसलिए इन पे आर्थिक संकट आ गया, ठीक है। तब उन्होंने स्वयं पूछना कर
कुछ करने की ठानी, क्योंकि इनके घर वाले तो बहुत ज्यादा इनका सहयोग करते थे, लेकिन फिर भी उन पे इतना पैसा नहीं था कि वो आगे की पढ़ाई इनकी करवा पाते। तो इन्होंने सोचा कि मैं खुद खुद ही अपना पैसा कमाऊंगा और उससे अपनी पढ़ाई का खर्चा उठाऊंगा। मतलब इन्होंने खुद ही ठान लिया था कि मैं अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद ही स्वयं ही उठाऊंगा, ऐसा इन्होंने मान लिया था। ठीक है, वे ट्यूशन पढ़ाने लगे। मद्रास से छपने वाले एक समाचार पत्र हिंदू के लिए लेख भी लिखे, और उन्होंने फिर उस पढ़ाई आगे की पढ़ाई करने के लिए ट्यूशन पढ़ाने लगे, जिससे कि उनको कुछ पैसा मिले और उसके लिए वो उससे आगे की पढ़ाई करने लगे। और एक अखबार था जिसका नाम था हिंदू। ठीक है, इस अखबार के लिए भी वो लेख लिखने लगे, जिससे कि उनको पैसा मिले और वो अपने आगे की पढ़ाई कर सके। इससे उन्हें कुछ पारिश्रमिक भी प्राप्त हो जाता था। पारिश्रमिक का अर्थ होता है बच्चों, कुछ पैसा भी मिल जाता था। जब कोई व्यक्ति परिश्रम करता है, मेहनत करता है, तो उसका जब वो उसे फल मिलता है किसी भी रूप में, अधिकतर ये फल मिलता है पैसों के रूप में, उससे हम क्या बोलते हैं, पारिश्रमिक। ठीक है, पारिश्रमिक भी प्राप्त हो जाता था, जिससे उन्होंने अपनी पढ़ाई को निरंतर रखा। वे कभी असफलताओं से नहीं हारे। ठीक है, यानी अगर वो असफलताओं से नहीं डरते थे कि ऐसा ना हो कि मैं ना फेल हो जाऊं किसी काम में, असफल हो जाऊं, उनमें इतना दृढ़ विश्वास था, दृढ़ शक्ति थी कि वो अब असफलताओं को हरा देते थे। ठीक है, और उन असफलताओं को सामना करते हुए वो सफलता को प्राप्त करते थे। सतत प्रयास और दृढ़ इच्छा शक्ति से उन्हें अंत में सफलता ही मिली। सतत प्रयास का मतलब है लगातार प्रयास करना, मतलब किसी चीज से डर के बैठ नहीं जाना, बल्कि उसकी सफलता प्राप्त करने के लिए हमें लगातार प्रयास करते रहते थे, और दृढ़ इच्छा शक्ति, और एक बहुत ज्यादा इनका मजबूत इरादा था कि मैं सफलता प्राप्त कर ही रहूंगा। तो सतत प्रयास और दृढ़ इच्छा शक्ति से वो अंत में सफलता ही मिलती थी। मतलब कितनी भी बड़ी से बड़ी मुश्किल क्यों ना हो, कितनी से बड़ी बड़ी चुनौती क्यों ना हो, फिर भी वो अंत में सफलता को प्राप्त कर ही लेते थे। उन्होंने 250 रुपए प्रति माह के वेतन पर वरिष्ठ सहायक वैज्ञानिक के रूप में पहली नौकरी प्रारंभ की। फिर उन्हें पढ़ाई के बाद बच्चों नौकरी मिली, जिससे जिससे उनको वेतन मिला कितना, 250 रुपए। और उनका वो किस पद पे काम किया, वरिष्ठ सहायक वैज्ञानिक के रूप में। मतलब ये मुख्य वैज्ञानिक नहीं थे, जो वैज्ञानिक होते हैं उनके सहायक होते हैं, एक असिस्टेंट साइंटिस्ट होते हैं, जो कि जो मुख्य वैज्ञानिक होता है उसकी सहायता करते हैं। ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं, वरिष्ठ सहायक वैज्ञानिक। ठीक है, उसके रूप में उन्होंने 250 रुपए प्रति माह में पहली नौकरी की। ठीक, फिर अगली है बच्चों मिसाइल मैन की आधारशिला, कि ये इन्हें मिसाइल बनाने की प्रेरणा कहाँ से मिली। ठीक है, इन्होंने किस किन घटनाओं से इनके जीवन में मिसाइल बनाने की प्रेरणा आई। ठीक है, तो ये यहाँ से हमें पता चलेगा। तो देख लेते हैं बच्चों, अब्दुल कलाम अपनी माँ से रामायण की कहानियां और हजरत मोहम्मद साहब के जीवन से संबंधित कथाएं सुनते थे। यानी इनकी जो माँ थी वो रामायण के बारे में बताती थी। ठीक है, और हजरत मोहम्मद साहब के बारे में भी बताया करती थी, उनकी कथाएं सुनाया करती थी। इन्हें उन कथाओं को सुनकर भी कहीं ना कहीं मिसाइल बनाने की प्रेरणा मिली, क्योंकि रामायण में बच्चों जब युद्ध हुआ तो उसमें जो तीर चले तो वो कभी अग्निवाण, कभी सांप बाण, इस टाइप के बाण चलते थे। तो उनसे भी इन्हें कहीं ना कहीं ये इस बात का पता चला कि ये वाणों में से कहाँ अग्नि कैसे निकल रही है। ठीक है, तो उससे इनको प्रेरणा मिली इन कथाओं से भी। विद्यार्थी जीवन में वे रामलीला देखने भी जाया करते थे। उनकी अन्वेषक दृष्टि हर स्थान पर कुछ ना कुछ खोजती रहती थी। यानी जब वो विद्यार्थी थे बच्चों, तो उस टाइम पे वो रामलीला भी देखने जाया करते थे। ठीक है, और अधिकतर व्यक्ति क्या करते हैं कि जो रामलीला वगैरह इस टाइप के जो प्रोग्राम होते हैं उन्हें मनोरंजन की दृष्टि से देखते हैं,
लेकिन ये अन्वेषक दृष्टि से देखते थे, मतलब उसमें भी कुछ ना कुछ खोजते थे, ठीक है, कि ये हुआ तो कैसे हुआ, ये धनुष, ये वाण चला, इसमें से आग निकली तो कैसे निकली, उस टाइम पे कैसे निकली होगी, ऐसे टाइप से वो कुछ ना कुछ उसमें खोजते रहते थे। एक बार की बात है, रामलीला चल रही थी, दृश्य था राम रावण युद्ध, जिसमें राम अग्निवाण से रावण की नाभि में स्थित अमृत को सुखाकर उसका अंत कर देते हैं। अग्निवाण की इसी अवधारणा से ही अग्नि मिसाइल का सूत्रपात हुआ। तो जैसा कि हमें पता है बच्चों कि जब रामायण हुई थी तो राम जी ने रावण की नाभि में अग्निवाण चलाया था, जिससे कि उसकी रावण की नाभि में स्थित अमृत सूख गया था और उसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि जो, क्योंकि वो अन्वेषक दृष्टि थी किन की, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की, तो उन्होंने ये सोचा कि ऐसा अगर पहले के समय में हो सकता है कि अग्निवाण बन सकता है, तो इस टाइम पे क्यों नहीं बन सकता। तो इस चीज से भी उन्हें अग्नि मिसाइल बनाने की प्रेरणा मिली। बच्चों आगे देखते हैं, अब्दुल कलाम समाचार पत्र तो पढ़ते ही थे, पुराने समाचार पत्र भी कभी सामने आ जाते तो इनमें प्रकाशित लेख भी बड़े ध्यान से पढ़ते थे। इससे यह पता चलता है कि उन्हें समाचार पत्र पढ़ने का बड़ा ही शौक था, बहुत बहुत ध्यान से समाचार पत्र पढ़ते थे। अगर उनके सामने पुराना समाचार पत्र भी आ जाता था तो बहुत ही ज्यादा उसे ध्यान से पढ़ते थे, जबकि है ना, पुराने समाचार पत्रों को कोई नहीं पढ़ता, नए को जरूर पढ़ लेते हैं इंसान, ठीक है। इसी प्रकार एक बार एक लेख अंग्रेजी समाचार पत्र हिंदू में छपा था, लेख का नाम था सॉफ्ट फायर, इसका हिंदी अर्थ हुआ मंत्रवाण। यह एक प्राचीन भारतीय अस्त्र का नाम है जिसका प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध में हुआ था, ठीक है। तो यहां से भी उन्हें अग्निवाण बनाने की बच्चों प्रेरणा मिली, इस मंत्रवाण ने उन्हें आगे चलकर अग्नि मिसाइल बनाने के लिए प्रेरित किया। डॉक्टर अब्दुल कलाम और मिसाइल एक दूसरे के पूरक हो गए, इसलिए उन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। दोनों एक दूसरे के पूरक हो गए, मतलब दोनों एक के बिना दूसरा रह ही नहीं सकता था। अब जिस तरीके से अग्नि मिसाइल डॉक्टर अब्दुल कलाम के बिना अधूरी थी, इसी तरीके से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भी अग्नि मिसाइल के बिना अधूरे थे, इसलिए उन्हें क्या कहा गया बच्चों, मिसाइल मैन बोला जाने लगा, किन्हें, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को। तो इस बात को ध्यान रखना है कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को और क्या कहा जाता था, मिसाइल मैन, ठीक है, मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है उन्हें। डॉक्टर अब्दुल कलाम विश्व के 10 मिसाइल वैज्ञानिकों में से एक है, मतलब पूरी दुनिया के में जितने भी मिसाइल वैज्ञानिक हैं उनमें से जो सबसे प्रमुख जो 10 वैज्ञानिक हैं उनमें इनका नाम आता है। अब देख लेते हैं बच्चों, सामाजिक समरसता से सरोवर परिवार, मतलब ये किसी भी प्रकार का, किसी भी धार्मिक जातिगत किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं कर रखते थे अपने मन में बच्चों। ये सभी धर्मों के प्रति इनकी श्रद्धा थी और सभी धर्मों के व्यक्तियों से ये मिलजुल कर रहते थे, सभी जातियों के व्यक्तियों का ये सम्मान करते थे, मतलब इनमें सामाजिक समरसता थी, ठीक है। और ये इसी वजह से बच्चों एक महान व्यक्ति बने। तो पढ़ लेते हैं इसे भी, डॉक्टर अब्दुल कलाम का पूरा परिवार सामाजिक समरसता से सरोवार रहा है, मतलब सामाजिक समरसता इनके परिवार में हमेशा ही रही है। उनका परिवार हिंदू मान्यताओं के प्रति श्रद्धालु रहा है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये मुस्लिम थे तो है ना ये हिंदू मान्यताओं को नहीं मानते थे, हिंदू मान्यताओं को भी उतनी ही तवज्जो देते थे बच्चों जितने ये मुस्लिम मान्यताओं को देते थे, ठीक है। रामेश्वर के प्रसिद्ध शिव मंदिर के प्रति गहरी आस्था श्रद्धा उनके सांप्रदायिक सद्भाव का उदाहरण है। तो रामेश्वर का जो प्रसिद्ध शिव मंदिर है बच्चों, उनके प्रति इनके परिवार की बहुत ज्यादा गहरी आस्था थी बच्चों, ठीक है। ये उस शिवलिंग पे जाते थे, ठीक है, और वो इनकी आस्था इस चीज से दिखती है बच्चों। अब एक बार की घटना है, मंदिर के पास गहरे जलाशय में एक शिव मूर्ति गिर गई। तो इस एक एक बार क्या हुआ कि मंदिर के पास एक बहुत गहरा
जलाशय था, जलाशय का मतलब तालाब था, उसमें एक शिव मूर्ति गिर गई, मूर्ति गिर गई। तो अब क्या हुआ कि उसे निकालने की किसी की भी हिम्मत नहीं पड़ रही थी, क्योंकि वो जो तालाब था बहुत ज्यादा गहरा था। तो एक बालक था जिसने बिना कुछ सोचे समझे उसमें तालाब में छलांग लगाई और उस शिव मूर्ति को निकाल के लेके आया। ठीक है, अब वो कौन बालक था देखिएगा, इसमें पता चलेगा। एक बार की घटना है, मंदिर के पास गहरे जलाशय में एक शिव मूर्ति गिर गई। तब प्रश्न उठा, गहरे जलाशय से शिव मूर्ति कैसे निकलेगी, इतनी गहराई से मूर्ति को बाहर कौन निकालेगा। ये प्रश्न उठ रहा था कि इतने गहराई में से कौन निकाल के लेके आएगा उसे। ऊहापोह की स्थिति में किसी का साहस जलाशय में घुसने का नहीं हुआ, मतलब ऐसे विचार बन रहे थे, ठीक है, लेकिन कोई भी इतनी हिम्मत नहीं कर पा रहा था कि वो जलाशय में जाकर उस शिव मूर्ति को निकाल के लेकर आए। तभी एक व्यक्ति ने झटपट जलाशय में डुबकी लगाई और थोड़ी ही देर में जल के ऊपर आ गया। ठीक है, तो अभी एक व्यक्ति क्या हुआ कि जलाशय में कूदा और शिव मूर्ति को निकाल कर जल के ऊपर आ गया। उसके दोनों हाथों में शिव मूर्ति थी। वह व्यक्ति अब्दुल कलाम परिवार के एक सदस्य थे। ठीक है, और वह व्यक्ति और कोई नहीं, वो अब्दुल कलाम जी के परिवार के एक सदस्य थे। मतलब अगर कोई ऐसा इनके मन में ऐसी भावना होती कि मैं क्यों निकालूं, ठीक है, मैं तो एक मुस्लिम परिवार से हूँ, तो वो कभी भी ऐसा नहीं करते। लेकिन फिर उनमें क्योंकि सामाजिक सद्व्यवहार था, ठीक है, उनको शिव मूर्ति के प्रति श्रद्धा थी, इसीलिए तो उन्होंने बिना कोई सोच विचार करते हुए उस तालाब में छलांग मारी। इतना गहरा तालाब था और उनकी उसमें जान भी जा सकती थी, वो शिव मूर्ति को लेके आए क्योंकि उनकी उसमें श्रद्धा थी इसलिए। ठीक है, रामेश्वरम में प्रतिवर्ष आयोजित श्री सीताराम विवाह समारोह में इनके परिवार की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो यहाँ से भी पता चलता है कि जो रामेश्वर में जो सीताराम विवाह समारोह होता है उसमें ये इनका परिवार बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है, क्योंकि ये वहाँ इस चीज में श्रद्धा रखते हैं बच्चों। ठीक है, विवाह स्थल तक श्री राम की मूर्तियां ले जाने के लिए विशेष प्रकार की नौकाओं की व्यवस्था की जाती है। यह शुभ कार्य अब्दुल कलाम का परिवार ही करता है। विवाह स्थल राम तीर्थ इनके घर के समीप ही है। ठीक है, तो कोई भी कार्यक्रम हो रामेश्वर में तो उसमें इनका परिवार बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। ठीक है, चाहे वो हिंदुओं का कोई त्योहार हो चाहे मुस्लिमों का कोई त्योहार हो, सभी त्योहारों में इनका परिवार बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है, क्योंकि ये सभी को समान रूप से देखते हैं। बच्चों अब देख लेते हैं इस पार्ट में स्वदेश का मान। तो यहाँ पर है बच्चों, पढ़ाई समाप्त होने के बाद अब्दुल कलाम ने वैमानिकी यांत्रिकी की शिक्षा प्राप्त की थी। तो इससे हमें ध्यान रखना है कि पढ़ाई के बाद उन्होंने इस चीज में वैमानिकी यांत्रिकी में शिक्षा प्राप्त की थी। तो वैमानिकी शिक्षा यांत्रिकी में क्या क्या चीज आती है बच्चों, इसके अंतर्गत रॉकेट, उपग्रह, मिसाइल इत्यादि आते हैं। मतलब इन चीजों को पढ़ाया जाता है, रॉकेट को, उपग्रह को और मिसाइल को, इन तीनों चीजों को बहुत ज्यादा विस्तार में पढ़ाया जाता है बच्चों। ठीक है, उन दिनों भारत में इस पढ़ाई का विशेष महत्व नहीं था, क्योंकि बच्चों उस टाइम पे इतना हमारा जो भारत था वो इतना विकसित नहीं था कि ना इन चीजों पे उन दिनों ध्यान दिया जाता था, कि उपग्रहों पर, रॉकेटों पर, मिसाइल पर ध्यान दिया जाता था। लेकिन धीरे धीरे करके जब हमारे देश के व्यक्तियों ने इन चीजों पे काम किया तो हमारे देश आगे बढ़ा और इन चीजों पर भी ध्यान दिया जाने लगा और हमारा देश ने काफी इन चीजों पर तरक्की की। किस पर? रॉकेट पर, उपग्रहों पर और मिसाइल पर। ठीक है, ऐसे विद्यार्थियों की मांग उस समय यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में हो रही थी। मतलब जो विद्यार्थी रॉकेट, उपग्रह और जैसी चीजों को सीख रहे थे, मिसाइल आदि चीजों को सीख रहे थे, उनकी डिमांड कहाँ थी बच्चों? अमेरिका में थी। अमेरिका में उन विद्यार्थियों को बहुत ज्यादा सैलरी पे बुलाया जाता था, बहुत अच्छे उन्हें पैसे दिए जाते थे। ठीक है, तो अधिकतर जो ऐसे विद्यार्थी होते हैं कि ये चीजें सीखकर वो अमेरिका चले जाते हैं पैसे कमाने के लिए। ठीक है, तो इनके साथ क्या हुआ बच्चों?
इन देशों में अच्छा वेतन और भरपूर मान सम्मान मिलता था, ठीक है। तो मतलब बहुत अच्छा वेतन मिलता था, बहुत अच्छी सैलरी मिलती थी उन्हें, और बहुत ज्यादा मान सम्मान भी मिलता था। मतलब ऐसे व्यक्तियों को जो इस पढ़ाई को करके जाते थे वहाँ, उन्हें बहुत ज्यादा इज्जत मिलती थी। तब अब्दुल कलाम के लिए दो रास्ते थे। पहला रास्ता था आदर्श पर चलकर स्वदेश सेवा की जाए, और दूसरा रास्ता था धन कमाने के लिए विदेश जाया जाए। तब अब्दुल कलाम जी के पास दो रास्ते थे बच्चों के ना, वो चाहते थे तो विदेश जाकर बहुत अच्छा धन कमा सकते थे और मान सम्मान उन्हें वहां मिलता, और दूसरा रास्ता तो ये था कि वो अपने देश में ही रहकर अपने देश की सेवा करें। हालांकि यहाँ पर उन्हें इतना पैसा कमाने का मौका नहीं मिलता। बाद में चल के उन्हें मान सम्मान तो बहुत मिला, क्योंकि वो हमारे देश के 11वें राष्ट्रपति बने, ठीक है, इससे बड़ा मान सम्मान क्या होगा, ठीक। लेकिन उस समय पर जब इन्होंने ये पढ़ाई की थी, उस समय पर इतना इस चीज का ऑप्शन नहीं था, ठीक है। सही रास्ते के चयन की समस्या को हल करने के विषय में स्वयं कलाम ने अपनी आत्मकथा माई जर्नी में लिखा है। तो जो उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है बच्चों, आत्मकथा बोलते हैं कि कोई व्यक्ति अपने पूरे जीवन के बारे में वर्णन करता है, उसे उस व्यक्ति की आत्मकथा बोलते हैं बच्चों, ठीक है। तो उन्होंने जो अपनी आत्मकथा लिखी है उसका नाम क्या था, माई जर्नी। माई जर्नी नामक एक बुक लिखी थी उन्होंने, अब्दुल कलाम जी ने उसमें अपनी आत्मकथा लिखी थी, ठीक है। काफी कसमकसाहट से भरे थे जीवन के वे दिन, क्योंकि इधर तो पैसे की समस्या थी, ठीक है, और उनके पास एक बहुत अच्छा विकल्प भी था अमेरिका जाने का। तो उनके दिमाग में ये चल रहा था कि मैं अमेरिका जाऊं, वहां जाके धन कमाया जाए, या फिर अपने देश में ही रहकर देश की सेवा करी जाए। तो ये दोनों विकल्प उनके दिमाग में थे, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा उलझ रहे थे। कसमकसाहट का मतलब क्या है कि कोई डिसीजन ना लेना ले पाना, ठीक है। एक ओर विदेशों में शानदार भविष्य था, दूसरी ओर था देश सेवा का आदर्श। इन दोनों में से एक का मेरे लिए चुनाव करना कठिन था, क्योंकि इधर अगर उनके पास पैसा भरपूर होता तो वो आराम से देश में रहकर देश की सेवा कर पाते। तो वो ये भी लग रहा था कि वो विदेश में जाकर पैसा कमाए, और ये भी लग रहा था अगर मैं विदेश में चला गया तो मैं देश की सेवा कैसे कर पाऊंगा, क्योंकि उनमें एक देशभक्ति का भी बहुत बड़ा एक गुण था, ठीक है। अंततः मैंने तय किया पैसों के लिए विदेश नहीं जाऊंगा, भविष्य संवारने के मोह में देश सेवा का अवसर हाथ से जाने नहीं दूंगा। फिर उन्होंने एक डिसीजन लिया कि मैं पैसे कमाने के लिए देश नहीं जाऊंगा, मैं अपने विदेश नहीं जाऊंगा, और मैं अपने देश में ही रहकर अपने देश की सेवा करूंगा, चाहे कुछ भी हो, वो अपने देश की सेवा ही करना चाहते थे, ठीक है। अब देख लेते हैं बच्चों, सहृदय अब्दुल कलाम। तो इसमें है, बहुत कम लोग जानते हैं कि वैज्ञानिक अब्दुल कलाम कितने सरल हैं। मतलब उनका जीवन बच्चों बहुत ज्यादा सरल था। वो वैज्ञानिक बने ना तो उन्हें कोई इस बात पर घमंड था, ना कोई गुरूर था, ठीक है। वो एकदम सादा जीवन जीते थे, एकदम मतलब ऐसा लगता ही नहीं था कि ये इतने बड़े वैज्ञानिक हैं, बिल्कुल जैसे सामान्य जन रहते हैं इस तरीके से वो रहते थे। एकदम सादा सिंपल कपड़े पहनना, ठीक है, सादा सिंपल, और सभी से हर्षोल्लास के साथ मिलना, ठीक है। तो इस तरीके से वो अपना सादा जीवन व्यतीत करते थे। तो वो एक सरल सरल व्यक्ति थे। वे कविताएं रचते थे और यथा अवसर अपने सहभागियों को सुनाते भी हैं। मतलब वो वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक अच्छे कवि भी थे, और वो कविताएं लिखते थे और कविताओं को अपने सहयोगियों के साथ सुनाते भी थे। अग्नि के सफल परीक्षण के बाद एपीजे अब्दुल कलाम के स्वर मुखरित होकर कविता बन गए। जब उन्होंने जो अग्नि मिसाइल बनाई बच्चों, जो कि उनका एक बहुत बड़ा आविष्कार था, ठीक है, तो अग्नि मिसाइल का जब परीक्षण हुआ और वो एक सफल परीक्षण हो गया, तो उन्होंने जो शब्द बोले तो वो शब्द एक कविता के रूप में निकले थे। वो शब्द क्या थे बच्चों, वो यहाँ देख लेते हैं। मत तलाश करो अग्नि में शत्रु को, भयाक्रांत करता शक्ति का प्राची कोई, यह तो है एक अग्नि,
हृदय में धधकती हर भारतवासी के सभ्यता उद्गामिनी सी भारत की गरिमा की संबंध आभा से कांतिमान एक लघु प्रतिमा है ये। मतलब उन्होंने जो शब्द कहे वो एक कविता के रूप में इस तरीके से उत्पन्न हुए बच्चों, ठीक है। मतलब एक अच्छे वो कवि थे, देख सकते हैं आप उनकी ये कविता, ठीक। इस प्रकार उन्हें कई प्रसंगों में उद्दीप्त होकर कविताएं रचीं जो उनकी रचना धर्मिता का प्रतीक है। मतलब बहुत सारी कविताएं रचीं जिससे कि ये पता चलता है कि वो अच्छे कवि थे। वे अपने वैज्ञानिक जीवन में कल्पना और योजना पर 18 घंटे काम करते थे, और इतने ज्यादा मेहनती थे। हम तो 5 से 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे काम कर सकते हैं बच्चों, लेकिन वो 18 घंटे काम करते थे। मतलब पूरे दिन में अगर हम लगाएं तो 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में से 18 घंटे वो काम करते थे, और सिर्फ 6 घंटे के ही उनका आराम था, ठीक। प्रतिदिन की यही दिनचर्या थी। फुर्सत के क्षणों में वे रुद्र वीणा बजाते हैं, कभी वे शास्त्रीय संगीत के सुरों में डूब जाते हैं, ठीक है। फुर्सत के सुर, जब उन्हें कभी फुर्सत मिलती थी उस टाइम पे वो संगीत सुनना पसंद करते थे, क्योंकि संगीत से इंसान को राहत मिलती है बच्चों, ठीक है। तो इस प्रकार से ये अब्दुल कलाम जी का हमने पूरा पूरा एक तरीके से जीवन का संघर्ष देख लिया बच्चों, वो कैसे अब संघर्ष करते हुए अपने जीवन में उन्होंने सफलताओं को प्राप्त किया बच्चों। तो इसी के साथ हमारा ये पार्ट कंप्लीट होता है। यदि पार्ट आपको समझ में आया बच्चों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।